अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी F34 5G वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में 3000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ गैलेक्सी के F34 5G को 16,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G को सिर्फ 13,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 3000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता, पर रियल लाइफ के परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ गैलेक्सी के F34 5G में सैमसंग का Exynos 1280 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में MediaTek का Dimensity 7020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए, तो एक तरफ गैलेक्सी के F34 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,55,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,73,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो, तो इन दोनों स्मार्टफोन का GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया, तो एक तरफ मोटो G54 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3,500 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F34 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3,400 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, डिस्प्ले की क्वालिटी तो आप लोगों को गैलेक्सी के F34 5G में काफी बेटर देखने को मिल जाती है, 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले पांच होल देखने को नहीं मिलता, और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में 6.5 इंच की फुल HD प्लस पांच होल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए, तो कैमरे के मामले में दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेस्ट है, एक्सीलेंट कैमरा सेटअप दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। एक तरफ गैलेक्सी के F34 5G की बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, 50 MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, 50 MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है, बाकी का दूसरा कैमरा 8 MP का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एक तरफ मोटो G54 5G के कैमरे से आप लोग डुअल वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F34 5G में डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए, तो एक तरफ गैलेक्सी के F34 5G में 13 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.2 अपर्चर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। एक तरफ मोटो G54 5G में आप लोगों को डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि गैलेक्सी के F34 5G में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए, तो एक तरफ गैलेक्सी के F34 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में भी 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 30W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। करीजा कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग सैमसंग के स्मार्टफोन को काफी ज्यादा पसंद करते हो, पांच होल वाली डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन नहीं चाहिए, सैमसंग का एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोगों को गैलेक्सी के F34 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग का बजट कम है और आप लोग कम से कम प्राइस में एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, डिस्प्ले की क्वालिटी से थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हो, तो आप लोगों को मोटो G54 5G की तरफ जाना चाहिए। वैसे तो ये दोनों स्मार्टफोन अपने अपने प्राइस में काफी ज्यादा बेस्ट।